आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको मनरेगा मेट के बारे में लेटेस्ट जानकारी बताने जा रही हूँ। और यहाँ पर आपको मैं वीडियो में बताऊँगी, तो मनरेगा मेट में अभी भी भर्तियाँ हो रही हैं। अगर आप मनरेगा मेट में नौकरी करने की इच्छुक हैं तो अभी फॉर्म भर सकती हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या इसमें आपको योग्यता मांगी गई है आपकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी में महिला मेट के 25,000 पदों पर निकली भर्ती, जाने कैसे करें आवेदन। और सबसे प्रमुख बात यहाँ पर ये भी है कि कौन कौन लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यूपी महिला मेट भर्ती के लिए ये उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन। देखें पूरी जानकारी, कौन कौन से उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं और क्या ये नौकरी केवल 3 वर्ष के लिए है, 3 साल के बाद महिला मेट क्या करेगी। तो जानिए कि पूरा वीडियो देखिए तब आपको जानकारी मिलेगी। चैनल वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जानकारी यहाँ पे पूरी महिला मेट की क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो महिला मेट की नौकरी है, इसमें जो है जो भी महिलाएं नौकरी की तलाश में समय है, तो उनके लिए खबर है कि यूपी की ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के काम की देखरेख संचालन के लिए महिला मेट की बंपर भर्ती हो रही हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 25,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है और इतना दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार मनरेगा के तहत 50 श्रमिकों पर एक मेट का चयन होगा और इसमें कम से कम 50% महिला मेट होंगी, यानी कि 50 मेट पर एक महिला, 50 श्रमिकों पर एक महिला मेट रखी जाएगी। और ये आपके ब्लॉक के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो 20 से 40 मजदूर पर एक महिला मेट चुनी जा रही है। तो 50% महिलाओं होंगी, बाकी पुरुष भी इसमें होंगे। तो महिलाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको बता रहे हैं उम्मीदवार कौन है जो नहीं कर सकेंगे आवेदन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संबंधित ग्राम पंचायत के मूल निवासी हों, आप जिस गांव में रहते हैं वहां आप स्थायी रूप से रहते हैं तभी इसमें फार्म भरिए, वरना आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मूल निवासी हों तभी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, भले उनके पास नरेगा जॉब कार्ड धारक वो क्यों ना हो। भले ही आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है लेकिन आप उस गांव के निवासी नहीं हैं, आपका निवास वहां का नहीं है, आधार कार्ड पे उसका पता नहीं गांव का लिखा है, तो आपको इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि न्यूनतम 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल आप पढ़े होंगे तभी आप इसमें फॉर्म भरिए, कम से कम हाई स्कूल पढ़े हों, अधिक से अधिक आप इंटर भी है जो भी करे हों ठीक ही है, लेकिन हाई स्कूल तो कम से कम पढ़ा होना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए यदि आप 10वीं पास हैं और आपका मार्कशीट आपके पास नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो भर्ती के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने ब्लॉक पर या अपने प्रधान से ग्राम पंचायत पर जानकारी कर लीजिए। और आपको बता दें कि आपके ग्राम प्रधान से आपकी अच्छी तालमेल हो तभी आप इसमें फॉर्म भरिए, क्योंकि वही आपको काम देंगे। बात कर लेते हैं कि ये नौकरी जो है वो कितने दिनों के लिए है। तो जारी डिटेल्स के मुताबिक चयनित होने वाली महिलाएं इस पद पर 3 साल तक काम करेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने मेट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और मनरेगा में मेट बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने ब्लॉक पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए महिला अभ्यर्थी प्रधान से जानकारी कर सकेंगी, जान सकेंगी। तो आप अपने प्रधान से जानकारी कर लीजिए और प्रधान से अगर आपका अच्छा व्यवहार है तभी आप फॉर्म भरिए, अन्यथा अगर आपका चयन हो भी जाता है, सूची में आपका नाम ब्लॉक में आ भी जाता है, तो अगर प्रधान आपको काम ही नहीं देगा तो फिर आप कैसे उसमें इनकम कर पाएंगी। और आपको सैलरी भी 3-3 महीने के अंतराल पर मिलने वाली त्रैमासिक मिलेगी, जिसमें आप डिटेल जब
जो मजदूरों की डिटेल है वो लिखकर देंगी, ऑडिट होगा, उसके बाद ही आपकी सैलरी ग्राम प्रधान के द्वारा ही पंचायत स्तर पर ही आपको दी जाएगी। तो वो जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, यानी कि आपका तालमेल बनता हो, आपकी उनसे बनती हो, तभी आप इसमें फार्म भरिए तो ठीक है, वरना जो है काफ़ी कहासुनी होगी उसमें। तो मैं ये नहीं कहती कि फार्म ना आप भरिए बिल्कुल, लेकिन फ़िलहाल ये एक सुझाव है कि जब उनसे आपका अच्छा तालमेल होगा तभी आपको इसमें लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको मुश्किल ही होगी। और ये नौकरी 3 साल तक है, इसके बाद की कोई भी पता नहीं है कि मनरेगा मेट का फिर क्या होगा और आगे क्या होगा। सरकार ने जैसा कहा है कि ये 3 साल के लिए केवल है, तो 3 ही साल तक के लिए आपको मनरेगा मेट में जॉब मिलेगी। और यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर सैलरी जो है आपको एक दिन की 320 रुपया मिलेगी, ऐसा बताया गया है। और अधिक जानकारी अपने ब्लॉक से ज़रूर पता कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से कुछ रूल चेंज हो सकते हैं आवेदन में। और हमारे यहाँ तो ब्लॉक पर जो मनरेगा मेट की भर्ती हो रही है वो 20 या 40 मजदूरों पर एक मेट की भर्ती हो रही है, और कम से कम इंटर पास मांग रहे हैं और हाई स्कूल पास का भी चयन कर ले रहे हैं, पर सबसे पहले इंटर देखते हैं, फिर कम से कम हाई स्कूल तो पास होनी ही चाहिए, और उसके साथ ही ऐसे समूह से होनी चाहिए जो समूह कम से कम 6 महीना पुराना हो। ऐसा नहीं है कि आपने नया नया समूह बनाया और आप आवेदन कर लेंगे, तो 6 महीना पुराना समूह होना चाहिए, समूह का खाता भी खुला हो, समूह सक्रिय हो, और कम से कम उस समूह में एक फंड का पैसा आया हो, चाहे वो RF का 15,000 रुपये हो या CIF का 1,10,000 रुपये हो, कोई भी फंड का पैसा उस समूह में आया हुआ हो, तभी उस समूह की कोई महिला मेट के लिए आवेदन कर सकती है। और सभी पात्रता होने पर ही उनका चयन होगा, चयन होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद ही उनको कार्यस्थल पर तैनात किया जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी थी आपको, मेट के बारे में हमने आपको बता दिया है, इसीलिए आपको फिर से सलाह देते हैं कि आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए है तो अपने ब्लॉक पर पता कर लीजिए, या फिर अपने प्रधान के पास जाकर ज़रूर पता कर लीजिए, क्योंकि प्रधान ही आपको सही जानकारी दे पाएंगे। तो बहुत से महिलाओं का यहाँ पे ये कमेंट आया हुआ है कि मैम प्रधान जो है वो हमें जो है साइन ही नहीं कर रहा है फार्म पे, क्योंकि देखिए जब आप मनरेगा मेट में फार्म भरेंगे तो ब्लॉक पर तो आपका जमा होगा ही, लेकिन उस पर साइन करने का काम प्रधान का होगा। जब प्रधान साइन ही नहीं करेगा तो आप अपना फार्म कैसे सबमिट करेंगी, कैसे जमा करेंगी? तो जब प्रधान या सेक्रेटरी जो भी है वो साइन कर देंगे तभी आप फार्म जमा करेंगे, तभी आप का चयन हो पाएगा। तो जानकारी अच्छे से कर लीजिए और तभी फार्म भरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद।